दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने काम से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनमें से एक है मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग को बनाया था, जो आज भी पेरिस के लोवरे म्यूजियम में मौजूद है और इसकी कीमत भारत के रुपए के हिसाब से करीब 6,000 करोड़ रुपए है। वैसे तो ये पेंटिंग बिकाऊ नहीं है और कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग दिशा से देखने से मोनालिसा की स्माइल अलग नजर आती है। इस पेंटिंग को आप लोगों ने कभी न कभी तो देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस सिंपल से लगने वाली पेंटिंग दुनिया भर में इतनी क्यों फेमस है? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस मशहूर पेंटिंग के कुछ खास सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट 1, ये एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट पेंटिंग है जिसे की दुनिया भर में सबसे ज्यादा बार देखा गया है और ये पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था और 2 मई 1519 में इस पेंटिंग को पूरा किए बिना ही उनकी मौत हो गई। कितनी अजीब बात है कि इतना समय लगने पर भी वो इस पेंटिंग को पूरा ना कर सके। फैक्ट 2, मोनालिसा को वैसे तो मोनालिसा लिखा जाता है और ये एक इटालियन शब्द है, लेकिन इसका सही नाम मोना लिसा है। इटली में इसका मतलब होता है माई लेडी और इस पेंटिंग में जो महिला है उनका नाम है लिसा गेरार्डिनी, जो कि कपड़ा व्यापारी फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो की वाइफ थी और ये पेंटिंग फ्रांसिस्को डेल ने अपने दूसरे बच्चे की आने की खुशी में बनवाया था। फैक्ट 3, इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने ऑयल पेंट से पॉपुलर पैनल पर बनाया था। इसका मतलब इस पेंटिंग को कोई कागज और कपड़े पर नहीं बल्कि किसी खास तरह की लकड़ी पर बनाया गया था और इस पेंटिंग को स्फुमातो टेक्निक से बनाया गया था। इस टेक्निक में किसी तरह की आउटलाइन का इस्तेमाल नहीं होता। फैक्ट 4, इस पेंटिंग में मोनालिसा का सबसे बड़ा राज है उसकी मुस्कान। इस पेंटिंग में जो महिला है उनके चेहरे पर तो मुस्कान है लेकिन उनकी आंखों से गम झलकता दिखाई पड़ता है। लोगों का कहना है कि प्रेग्नेंट होने की वजह से उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। हालांकि इस पेंटिंग को लेकर बहुत सारे विवाद भी हैं, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को एक महिला के रूप में पेश किया है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व लिसा गेरार्डिनी को मिला है और इस बात का सबूत और भी पुख्ता तब हो जाता है जब ये पता चलता है कि उस वक्त महिलाओं को आईब्रोज रखना मना था और पेंटिंग में भी आईब्रोज नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फैक्ट 5, इस पेंटिंग पर इटालियन लैंग्वेज में भी कुछ लिखा गया है जिसका मतलब है द आंसर इज हेयर, लेकिन आज तक इस लाइन का मीनिंग नहीं समझा जा सका है कि आखिरकार इसके जरिए लियोनार्डो दा विंची कहना क्या चाहते थे। और मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि ये दूसरी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के समय ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। फैक्ट 6, कई सारे सर्वे के बाद इस मशहूर पेंटिंग को 1791 में पेरिस के लोवरे म्यूजियम में रखा गया, लेकिन 21 अगस्त 1911 को इटली के विंसेंजो नाम के एक चोर ने इस पेंटिंग को उस म्यूजियम से चुरा लिया था। उसके बाद 1911 में जब विंसेंजो ने इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश की तब उसे पकड़ लिया गया था और उसके बाद इस मशहूर पेंटिंग को फिर से लोवरे म्यूजियम में ही रखा गया। हालांकि चोरी होने के बाद ये पेंटिंग मशहूर हुआ था और 1956 में किसी रशियन आदमी ने इस पर तेजाब फेंक कर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद इस मशहूर पेंटिंग को लोवरे म्यूजियम के खास रूम में कड़ी सिक्योरिटी में बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बंद करके रखा गया है। फैक्ट 7, साल 2015 में पैरानॉर्मल क्रूसिबल चैनल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड से किसी मिरर को जोड़ा जाता है तो एलियन का आकार दिखता है। कई सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया है क्योंकि एलियन का आकार जिस जगह बन रहा था उसी जगह पर वो अक्षर द आंसर इज हेयर पाया गया था। फैक्ट 8, 23 जून 1852 में लुक मेस्पेरो नाम के एक युवा फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं मोनालिसा की खूबसूरत स्माइल से उभर नहीं पा रहा हूँ और मेरे पास सुसाइड करने के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। फैक्ट 9, इस पेंटिंग का आकार 21x30 सेंटीमीटर है और इसका वजन लगभग 8 किलोग्राम है और दुनिया में केवल ये एक ही ऐसी पेंटिंग है जिसे कभी बेचा नहीं जाएगा और इसे प्राइसलेस कहा गया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि लियोनार्डो दा विंची एक मशहूर लेखक भी थे, फिर भी उन्होंने अपने सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को 1000 से ज्यादा लाइक मिले तो हम इस मशहूर पेंटिंग के और भी जो रहस्यमय फैक्ट्स हैं, वो हम आपको मोनालिसा पेंटिंग के सीक्रेट फैक्ट्स के पार्ट 2 में बताएंगे जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार विषय के साथ। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।
ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।